अब क्षेत्र में खोजेंगी और ऊपर से कहें कि पेट्रोल भी सस्ता हो जाए तो कहाँ से हो जाएगा? क्षेत्र में लोग मरेंगे तभी तो आबादी खत्म होगी। सरकार इसी से दुखी हो रही है, रोकोगी? मैं यही पूछ रही हूँ कि 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास? बहुत विकास हुआ है। हाँ, गिनाइए। अरे पेट्रोल 100 रुपए ऊपर हो गया। हाँ। सरसों का तेल 400 रुपए में बिका। हाँ। ये विकास नहीं है? हाँ। ये भी तो विकास है ना। हाँ। और क्या चाहिए? अपोजिट कहाँ बोल रहा हूँ यार, जो सरकार चाहेगी वही तो होगा। इज्जत नहीं मिल पाए पेट्रोल डीजल को, वो भाजपा ने दिला दी। बहुत अच्छा। पहले योगी जी और मोदी जी में केवल 80 और 90 का अंतर चलता था। मानिए मोदी जी 80 रहते थे, वो 90 रहते थे, योगी जी कितने रहते थे? 70। आज योगी जी 100 हो गए हैं और मोदी जी कितने हो गए? 102-104 डीजल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये औसत माना जा रहा है और कुछ नहीं, यही विकास है। और क्या चाहिए? हमारे आपके कहने से विकास टूकेगा नहीं। इतना काम हुआ आपके क्षेत्र में, सड़क बन गया, शौचालय बन गया, राशन मिल गया ना, सबको सुविधाएं मिली हैं। हाँ। तो उसी से तो मिली है। वही रेट है ना। अगर हम घर में कुछ बनाते हैं अपने घर में तो पेट काट के ही तो बनाते हैं। तो सरकार भी अगर पेट काट रही है तो क्या बुरा कर रही है? सही कर रही है। अच्छा। हाँ, महंगाई सही है। हाँ, महंगाई सही है। एक जमाना था जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है, स्मृति ईरानी हो चाहे बड़े बड़े नेता हो, गैस का दाम बढ़ते ही चूड़ियाँ भिजवाने लगती थी। जी जी। और आज उससे दुगुना दाम हो गया है तो कोई आवाज नहीं निकल रही। तो आवाज क्यों निकलेगी जब पेट 35 रुपए लीटर देने का वादा था? 100 रुपए है तो 100 रुपए है तो उसमें काम नहीं देखेंगे आप? काम भी खोजेंगी और क्या कहते हैं वो भी खोजेंगी। है? दोनों चीज आप खोजेंगी। काम दे आप क्षेत्र में खोजेंगी और ऊपर से कहें कि पेट्रोल भी सस्ता हो जाए तो कहाँ से हो जाएगा? क्षेत्र में काम करने के लिए गरीब के सामने से प्लेट से रोटी छीन लेंगे क्या? तो क्या करेंगी आप, सरकार गिरा देंगी? बिल्कुल गिर जाएगा। नहीं गिरा सकते। जो गरीब एक टाइम कम खाए, हमेशा आज तक नहीं, जब से इतिहास चालू हुआ है, जब से इतिहास चालू हुआ है, दुनिया जब से जन्म लिए तब से गरीब भी पैदा हुए हैं और अमीर भी पैदा हुए हैं। ठीक सुनिए, कोई कहा है कि राम राज आया है तो राम राज में क्या गरीब नहीं थे? थे ना। सुनिए, राम राज के बाद क्या लोग गरीब नहीं थे? और कोरोना साल भर में, अभी 10 साल लगेंगे मैम। और सरकार लोग फैला भी रहे हैं। हाँ? आप लोग फैला भी रहे, चाह रहे हैं चले। हाँ, फैले लोग। हाँ? मरेंगे तभी तो आबादी खत्म होगी। सरकार इसी से दुखी हो रही है। रोकोगी? और क्या चाहिए? जब सरकारी चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, लेकिन सारी पार्टियां ये कहकर नहीं आती, कुछ पार्टियां ये कहकर आती हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो ये विकास किसका हो रहा है? इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो रही हैं, 160 रुपए तेल हो गया, गरीब के घर में सब्जी नहीं जल पा रहा है, आदमी कुपोषित हो जा रहा है। कौन कुपोषित है? सरकार उसके लिए WHO बहुत पैसा देता है। WHO बहुत पैसा देता है। ये बताइए, गरीब चलता किससे? साइकिल से? पैदल साइकिल से पैदल चले ना वो, क्या जरूरत है उसको चलने की? डाइटिंग भी उसकी होगी। तो सड़क चौड़ी किसके लिए हो रही है? उसी के लिए तो हो रही है। अरे सड़क चौड़ी, गरीब किसी गाड़ी से दब के मरेगा तो उसके घर वालों को पैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा। हाँ, आप चाहते हैं कोई मरे? अरे बिल्कुल, सरकार मार रही है तो गरीब मर जाएगा तो क्या हुआ? देता है भाई सरकार, देती है। कार वाला ठोकर मार के चला जाए तो कौन पैसा देगा? बोलिए क्या चीज है? सरकार नहीं मार रही है। आप बताइए ना, सरकार क्या कह रहे हैं? बोलिए क्या कह रही है सरकार? कहाँ किसी को मार रही है? सरकार कहाँ किसी को मार रही है? खुद मरेंगे लोग जब महंगाई हो जाएगी तो खुद मर ही आएंगे। अच्छी है, गरीबी खत्म हो जाएगी। सरकार का तो यही काम है, गरीबी खत्म कर देंगे। तो गरीबी तो राम राज था तो भी तो गरीब थे। राम राज में गरीब थे या नहीं थे आप जवाब दीजिए। नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, करते थे तो आज भी गरीब हैं। है। कोई कैसे रहेंगे? क्या करे, एक 10-10 करोड़ रुपए दे दें तो क्या लोग अमीर हो जाएंगे? बोल दीजिए। लेकिन जो खाने वाली चीजें हैं उसको सस्ता करेंगे? क्यों करें? क्योंकि आम इंसान क्या खाता है? रोटी दाल खा के वो तो सरकार फ्री दे रही है मैम। क्या दे रही है? अरे कोटे पे फ्री दे रही है मैम। आप एक दिन में कितना, मतलब आपके घर में एक टाइम में कितना? देखिए, अगर हाथी कोई पालेगा तो अगोला योगी और मोदी जी नहीं खिलाने आएंगे। है ना, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। ठीक है ना, जो हाथी पालेगा उसका खर्चा वो खुद ही उठाएगा ना। अगर सरकार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा रही है तो यहाँ सुविधाएं, आप सुविधाएं भी खोज रही है, ऊपर से कह रही ये भी होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? आप 2 रुपए बचाएंगे नहीं तो कहां से क्या करेंगे, आप बताइए। फिर आप कहेंगे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी जब ही निकलेगी जब कोई स्ट्रक्चर तैयार होगा, तभी तो निकलेगी। 4.5 साल में कितनी वैकेंसी निकली है? 4.5 साल में आप कितनी बार आ पाई है? मैं तो अपने क्षेत्र में जाती हूं। कितनी बार आ पाई है हमें? आज आप पहली बार देखिए, आप पहली बार देखिए, आप जाके चैनल पे, हम तो बता रहे हैं बहुत सब काम ही तो हो रहा है। वैकेंसी कितनी?
वैकेंसी 4.5 साल में कितनी वैकेंसी? बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी तो है। कितना है? बहुत बेरोजगारी है। बहुत आदमी बताए बेरोजगारी है कि नहीं है? हाँ, बेरोजगारी भरपूर है ना यहाँ। भरपूर है तो फिर बेरोजगारी जब है तो कहने उसी बात कर रहे हैं। बेरोजगारी है बराबर, बेरोजगारी भरपूर है। पर हुआ 2020 में व्हाट्सएप से लिख हो गया। देखिए हमारे कहने से, हाँ हमारे कहने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए हम जिस हाल में हैं, सरकार चाहे 150 रुपए डीजल पेट्रोल कर दे, हम खुश हैं और हम ये कहेंगे सरकार अच्छी है। क्योंकि हम सुनिए हम बताएं, हम इस सरकार का कुछ नहीं कर सकते। हाँ दिक्कत ये है क्योंकि जो भी हो, अरे दिक्कत है, मोहम्मद शाहिद है, ये बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो राजद्रोह का मुकदमा के ऊपर लगेगा। यही बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं सब खुश हैं, हम मरेंगे सब मरे। ये मोहम्मद शाहिद है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके ऊपर बोलेंगे तो फिर राजद्रोह लगेगा। ओवैसी बोलेगा राजद्रोह नहीं लगेगा, हम बोलेंगे राजद्रोह। डर है आपके अंदर? अरे सबको अंदर डर है, सबको डर है। आपको नहीं महंगाई खाती है? आप भी स्ट्राइक करिए, सड़क रोकिए। आपको जो करना है हम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बात कीजिए आप।